सब्सक्राइब कीजिए स्मार्टफोन की चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, आप आइडिया, वोडा या एयरटेल, इन तीन टेलीकॉम कंपनियों में से किसी के ग्राहक हो तो आपके लिए एक बुरी खबर है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बुरी खबर यह है कि आइडिया, एयरटेल, वोडा टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टॉक टाइम वाले रिचार्ज कूपन जो है बंद कर दिए हैं। 10 रुपये वाला रिचार्ज कराने पे 7 रुपये अप्रॉक्स मिलते थे और 20 रुपये का रिचार्ज कराने पे 15 रुपये अप्रॉक्स मिलते थे और 50 रुपये का रिचार्ज कराने पे 38 रुपीज के आसपास अप्रॉक्स मिलते थे और इनकी वैलिडिटी जो है लगभग लगभग 1 साल की होती थी। फिलहाल जो है आइडिया, वोडा, एयरटेल इन्होंने टॉक टाइम वाले रिचार्ज कूपन जो है बंद कर दिए हैं। आप बस इतना समझ लीजिए, कोई सा भी टॉक टाइम वाला प्लान जिसमें आपको पूरा टॉक टाइम मिलता था और वैलिडिटी जो है 1 साल की होती थी, वो सारे टॉक टाइम वाले प्लान जो है आइडिया, वोडा, एयरटेल इन तीन टेलीकॉम कंपनियों ने बंद कर दिए हैं। अब जो है इन तीन टेलीकॉम कंपनियों ने अलग टॉक टाइम वाले प्लान्स लेकर आए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको आइडिया का देता हूँ, 65 रुपये का रिचार्ज करने पर आपको 55 रुपये का टॉक टाइम मिलेगा, साथ में आपको 200 MB इंटरनेट, 3G डाटा साथ में मिलेगा और उसकी वैलिडिटी जो है 28 दिन की होगी। ये तीन टेलीकॉम कंपनियों ने जो अपने अलग टॉक टाइम वाले प्लान्स लेकर आए हैं, इन्होंने किसी प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी रखी है और किसी दूसरे प्लान में 84 डेज की वैलिडिटी रखी है। यदि आपको इनके नए टॉक टाइम वाले प्लान्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको आइडिया के ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना होगा। यदि आप आइडिया के ग्राहक हो, यदि आप एयरटेल के ग्राहक हो तो आपको एयरटेल के ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना होगा, नहीं तो आप वोडा के ग्राहक हो तो आपको वोडा के ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके इनके नए टॉक टाइम वाले प्लान्स के बारे में जान सकते हो। यदि आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इनके कस्टमर केयर पे कॉल करके भी टॉक टाइम वाले प्लान के बारे में जानकारी ले सकते हो। अभी की वीडियो में मुझे आपको यही अपडेट देना था। आशा है दोस्तों आपको आई होगी वीडियो पसंद, तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को और अभी तक आपने स्मार्टफोन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। अभी की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।